अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सेवीज बाय शेफ समीरा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, किस तरह का वीलॉग बन रहा है। तो हमने ये सोचा कि आज मेरी क्लास है, आप सब लोगों को पता है हम लोग क्लासेस करते हैं। आज हमारी एक एक्सक्लूसिव बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान से रिलेटेड क्लास है। चाट्स, चटनीस, पापड़ी, ज़बरदस्त डोसा, डोसे की चटनी, डोसे वाला सांभर जिसके साथ खाते हैं, इन सारी चीज़ों की आज हमारी क्लास है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आपको ये बताएं कि हम अपने घर पर जब क्लासेस लेते हैं तो किस तरह लेते हैं, हमारा क्या अरेंजमेंट होता है, प्रेप्स किस तरह होती हैं, फिर जब स्टूडेंट्स आती हैं तो किस तरह होता है। तो उसका आज हम आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे। अभी मैं आपको बताऊँगी कि हमारी आज क्लास में एग्जैक्ट हमारी जो फाइव किस्म की चाट्स हैं, थ्री चटनीज़ हैं। तो फाइव किस्म की जो हमारी चाट्स हैं उनका नाम क्या है, हम लोग अपने रेसिपी प्रिंट आउट किस तरह देते हैं, सारी डिटेल्स आप आज इस ब्लॉग में देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने अपना एक टेबल सेटअप किया है जहाँ पर हम सारे अपनी चाट्स, चटनी और डोसे वगैरह सेट करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कहा है, पूछा है कि हम टेबल कैसे सेट करते हैं। तो आज ही मैं आपको बता देती हूँ कि हम एक छोटा सा एक आइडिया आपको दे देती हूँ कि ये देखें, आजकल आप जब पार्टीज़ करते हैं, इफ्तार पार्टी भी करते हैं, तो हम जाहिर है चाट्स का ज़्यादा जोर होता है, फ्राई आइटम्स पे इतना ज़्यादा नहीं लोग इतना प्रेफर करते। तो अगर आप इस तरह से तीन चार किस्म की चाट्स बना रहे हैं तो आप अलग से अपने एक टेबल पर घर में टेबल सेट करके चाट कॉर्नर बना सकते हैं। आपको पता है ये मिट्टी के बर्तन बहुत आराम से यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इन बर्तनों में सारी अपनी चार्ट्स अरेंज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने कोई चीज़ बाहर से नहीं ली है, ये सारी चीज़ें जो भी सेटअप है ये घर का ही है। रनर आप टेबल पे लगा लें, ये आपके रमज़ान के हिसाब से कैंडल होता है, पौधे होते हैं, पेरी लाइट्स हैं। ये मैंने इस तरह से, अभी जब चार्ट सेट होगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसको, बैटरी ऑपरेटेड है, ये हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, इसमें कुछ भी हमने इस तरह की चीज़ नहीं की है। तो ये एक अच्छा लगता है रमज़ान में भी, अगर आपकी दावत है, इफ्तार पार्टी आप कर रहे हो, तो एक छोटा सा कॉर्नर आप चाट कॉर्नर बना सकते हो। उसमें रमज़ान के रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें रखी, तस्बीह रखी, इसी पर आपने खजूर रख दी, कोई भी इस तरह से चीज़ करके और आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल भी रखा है, मेरा आज का एक मेन्यू जो मेरी एक चाट है वो है ठेले वाली चाट, जो हमें रास्ते पे रोड साइड कैफ़े की जिस तरह से चाट मिलती है, उसको वैसे मैंने अपना बस माइंड चलाया और मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मैं छोटे वाली खूबसूरत सी ये ले आई थी कि हम इसमें अपनी ठेले वाली चाट को सर्व करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपको जिस तरह करना है आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आगे मैं आपको और भी बताऊंगी कि हम रमज़ान के लिए दो किस्म के टेबल किस तरह सेटअप करते हैं। एक मेरा प्लान है आपको बताने का सीटेड इफ्तार एल्डरली लोगों के लिए या उस तरह से, और एक बुफे ये किस तरह लगता है। तो ये हमारा रेसिपी का प्रिंट आउट है, मैं आपको बताती हूँ आज हम क्या क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बॉम्बे चौपाटी की सेव पूरी। आप सबको पता है इंडिया बॉम्बे की चाट्स आर द मोस्ट फेमस चाट्स। आज हम बनाएंगे दही बड़े की चाट। दही बड़े हर कोई बनाता है, बट हम बना रहे हैं दही बड़े की चाट। दही बड़े बना के फिर उसकी चाट बनाएंगे। और हम बना रहे हैं मुगलई चाट, बहुत डिफरेंट बनती है ये, लोबिया के साथ बनती है, आलू, चने, हर चीज़ बहुत मज़े की बनती है। सफ़ेद लोबिया भी डल सकता है और इसमें लाल लोबिया भी डल सकता है। और मैं बनाऊंगी स्पेशल पोटैटो एंड कॉर्न चाट, स्वीट कॉर्न और आलू के साथ पोटैटो एंड कॉर्न चाट बनेगी। और आपको मैंने बताया था कि हम बना रहे हैं बहुत ही स्ट्रीट स्टाइल तरीके की कराची की जो मशहूर ठेले वाली चाट होती है, हम बनाएंगे वो ठेले वाली चाट। और बनेगा मसाला डोसा, सांभर, डोसे की कोकोनट चटनी, और हम बना रहे हैं इमली की चटनी, लाल चटनी, हरी चटनी एंड सेव पूरी बनाएंगे। तो सेव पूरी बनाने के लिए उसकी पापड़ी भी बनानी है, तो वो भी हम पापड़ी भी घर में ही बनाएंगे, अपनी सारी स्टूडेंट्स को वो भी हम सिखाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी तैयारी कर रखी हुई है आज की चाट्स की क्लास की। आप लोगों सोच रहे होंगे कि ये तैयारी बिल्कुल, इसे यूट्यूब जिस तरह एक कमिटमेंट है, इस तरह क्लास भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। क्लास और यूट्यूब में बहुत फ़र्क होता है। क्लास में स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जब आती हैं, दे वांट टू नो एंड सी के स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह सिखाती हूँ। मेरी कोशिश यही होती कि मैं एक एक चीज़ उनको स्क्रैच से बताऊँ। आप में से भी अगर कोई सीखना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। हमारी एक और क्लास रहती है जो कि एक्सलेंट माउथ वाटरिंग स्नैक्स की है, ईट ट्रॉली के स्नैक्स, रमज़ान में भी वो बन सकते हैं, वो है नेक्स्ट वीक में। उसकी डिटेल्स आपको दे दूंगी अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज पर। अगर आपने मेरे पेजेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर नहीं हैं तो हमारा ऑनलाइन
क्लासेस का भी एक ग्रुप है जिसमें माशाल्लाह हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारी स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, कैनेडा से, दुबई से, एवरीवेयर, सो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आर ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। तो अब हम आपको बताएंगे कि मज़ीद अब हमारी स्टूडेंट्स आएंगी तो किस तरह मैं उनको सिखाऊंगी हर चीज़ आपको छोटी छोटी उसमें शॉर्ट्स में स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगेगा। लास्ट में फिर हम आपको बताएंगे कि हमने अपने चार्ट काउंटर को किस तरह डेकोरेट किया। इसमें आपको पता है डोसे भी थे तो यहाँ पर हम डोसा बना रहे हैं, हमारा क्रिस्पी मसाला डोसा। अपनी चार्ट्स को, चटनियों को, हर चीज़ को डेकोरेट कर रहे हैं। ये मेरी हेल्पर है, भाग रही है, ये भी सलमा आ जाओ, हेल्पर नहीं है, मेरी राइट हैंड है, मेरा सब कुछ है। और ये मेरे आप समझे मैं जब शायद पता नहीं कितने टाइम से हमारे साथ हैं और अब मुझसे ज़्यादा ये अलवीना लीना की दीवानी है। अब मैं लाऊंगी यहाँ पर दही बड़े की चाट और हम लाएंगे अपनी सेव। भी टेबल मेरा कोई भी अरेंजमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट फ्लावर्स एंड कैंडल। ये सलमा कोशिश कर रही है क्योंकि बाहर हवा बहुत चल रही है, लाइटर भी काम नहीं हमारे कर रहा और जल गई। हमारा चाट का कॉर्नर बनकर तैयार हो गया है। ये हमारे डोसे मसाला डोसा आपको मैं दिखा दूँ, मसाले के साथ डोसा है, ये एक प्लेन पेपर डोसा है, सांभर, कोकोनट चटनी, सेव पूरी, क्रिस्पी पोटैटो एंड कॉर्न चाट, मुगलई चाट, दही बड़ा चाट एंड ठेले वाली चना चाट। ये सारी हाँ चटनियाँ ऑफकोर्स हमारी लाल चटनी, हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी। चाट कॉर्नर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने स्टूडेंट्स को ये सारा कुछ देंगे बिकॉज वो लोग सब ट्राई करेंगे, फिर मुझे बताएंगे कि उनको सबसे अच्छी आज की कौन सी चीज़ लगी। आई होप आपको भी हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको पता लग गया होगा कि हम लोग क्लासेस किस तरह करते हैं, क्या करते हैं। एक लास्ट क्लास हमारी रह गई है ईट टॉली की, जो कि है नेक्स्ट वीक। उसकी डिटेल्स मैं अपने फेसबुक और इंस्टा के पेज पे डाल दूंगी। आप लोग फेसबुक और मेरा इंस्टा का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टिकटॉक पर भी हम हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको अपना सारा डिटेल्स दे दूंगी, आप लोग लिंक्स सारे, तो उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो उससे आप अपडेटेड रहेंगे कि हमारी कौन सी क्लास है, कब क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी, नई व्लॉग के साथ जल्द आपके साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।